जी प्रणाम, नमस्ते हेलो सर, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। जी। मुझे रामदेव जी से बात करनी थी। मैं बोल रहा हूँ स्वामी रामदेव, मुझसे बात कर सकते हैं आप। हाँ सर, मेरे पोस्टेड हो गई है 31 mm के करीब, अल्ट्रासाउंड में निकली है और फेफड़े में सांस लेने में दिक्कत होती है और अपन सी बढ़ती है। रात को जैसे पेशाब करने जाते हैं तो लगता है कि चक्कर आ जाएगा, तो डॉक्टर ने बताया कि फेफड़ों के साथ पानी भर गया है। चलिए मैं आपका उपाय बताता हूं। एक तो प्रोस्टेट के लिए मैंने जिन लोगों का 80 और 100 ग्राम तक प्रोस्टेट पहुंच गया था, नॉर्मल वेट इसका 20 ग्राम होता है। एक तो कपालभाति प्राणायाम, या आधा घंटे तक करना शुरू कर दीजिए। पीएसए लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर प्रोस्टेट कैंसर तक हो जाता है, वो आपका लगभग एक ही महीने में नॉर्मल आ जाता है। लौकी का जूस, काली मिर्च और तुलसी डाल करके पिए, प्रोस्टेट 100% नॉर्मल आ जाएगा आपका। जहां तक आपको पेशाब ज्यादा आने की दिक्कत है तो विषत इंदुक वटी, चंद्र प्रभा वटी और गोक्षरादि गुगुल, ये तीन तीन गोली सुबह शाम ले लीजिए, अद्भुत लाभ होता है इनसे। प्रोस्टेट के लिए तो इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। वैसे ये विषत इंदुक वटी ज्यादा पेशाब आता है उसको भी ठीक करती है, जोड़ों का दर्द है उसमें भी ठीक करती है, और जिसको बाइटा कैंप आता है उसके लिए भी विषत इंदुक वटी, कुपीलू कुचला बोलते हैं, जबरदस्त है ये विषत इंदुक वटी, चंद्र प्रभा वटी, गोक्षादि गोकुल। जहां तक फेफड़े का प्रश्न है तो प्राणायाम कपालभाति के साथ भस्त्रिका का अनुलोम विलोम भी करें, दूध में थोड़ा हल्दी शलाजीत ले लें, च्यवनप्राश ले लें, और श्वासारी क्वाथ और गिलोय क्वाथ, ये तो अल्टीमेट है। वैसे श्वासारी, त्रिकटू, सितोपलादि, प्रवाल, अभ्रक, स्वर्ण, वसंत मालती, एक मिक्सचर भी बना करके हम 1 1 ग्राम सुबह शाम चटाते हैं तो फेफड़े की सारी समस्याओं का 100% सोल्यूशन है। उसमें अभ्रक भस्म और डालने से ये जो फेफड़े में पानी भरता है वो भी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, अभ्रक भस्म से और स्वर्ण वसंत मालती से। बाकी दूध में शिलाजीत हल्दी लेते हैं उससे भी जो फेफड़ों में पानी होता है या किसी भी तरह से फेफड़ों की सक्रियता, रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है तो वो इससे ठीक हो जाता है। तो प्राणायाम करें और जो औषधि बताई इसका इस्तेमाल कीजिए। कमजोरी का जहाँ तक प्रश्न हो, शिलाजीत से भी अच्छी हो जाएगी, और थोड़ा खान पान में ऐसी चीज़ें खाएं जो आपको डाइजेस्ट हो जाए। ज़्यादा खाने से ताकत नहीं आती, पचाने से ताकत आती है। तो प्राणायाम योगाभ्यास करेंगे तो आपका पाचन भी अच्छा होगा, और बड़ी उम्र में योगाभ्यास थोड़ा धीरे धीरे करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मैंने प्रोस्टेट के साथ साथ आपको ये भी बताया अभी कि जिन लोगों को क्रैम्प्स बहुत आते हैं, बाइटे बहुत आते हैं, उन लोगों के लिए भी ये विषय तिंदुक वटी और चंद्र प्रभाव की दो गोलियाँ खा लीजिए। नहीं तो कुछ लोगों को तो रात को सोते सोते भी बाइटे आ जाते हैं, कहीं खड़े रहते हैं तो हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर में कहीं पर भी जो बाइटे आते हैं, क्रैम्प्स इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इसके लिए विष्णु दंतकोटी और चंद्र प्रभावटी अद्भुत औषधि है।